हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल है आप सभी के? जो अपना हाल चाल है वो कमेंट सेक्शन में बयां कीजिएगा। और भाई, हम ये उम्मीद और आशा विश्वास के साथ चल रहे हैं कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। और रेलवे की एग्ज़ाम हो या फिर इसके अलावा किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी में 100% फोकस दे रहे होंगे। दोस्तों, इसी के बीच में रेलवे की तरफ से एक आधार वेरिफिकेशन को लेकर के जो ऑफिशियल नोटिस सर्कुलेट किया गया है, इस नोटिस को लेकर के आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज चल रही हैं उन सभी का जवाब देने के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। और मुझे मालूम है कि अभी तक में आपको ये आधार वेरिफिकेशन वाला नोटिस आप तक पहुँच चुकी होगी और आपने इसका इन्फॉर्मेशन भी किसी न किसी के माध्यम से ये समझ लिया होगा कि क्या है आधार वेरिफिकेशन। लेकिन अगर निमी टेक्निकल क्लासेस आप के लिए वीडियो लेकर के आया है तो ये समझिए कि इसमें हम A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और इसमें जितनी भी जानकारियां हो आधार वेरिफिकेशन से लेकर के, चाहे वो आपका एग्जाम सेंटर को लेकर के हो, चाहे आपका अगर आधार कार्ड वेरिफिकेशन कैसे कैसे करना है उस प्रोसेस को लेकर के हो, या फिर किस किस RRB के लिए ये आधार वेरिफिकेशन करना है, और इसके अलावा तमाम सवालें जो आप लोगों के मन में चल रही होती है उन सभी का जवाब दोस्तों मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ देने के लिए। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को दोस्तों। और अभी तक आप हमारे इस प्यारे से YouTube फैमिली के साथ नहीं कनेक्ट हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हो कि रेलवे एग्जाम 2024 आधार वेरिफिकेशन। ये रेलवे को आधार वेरिफिकेशन का नोटिस देने के बजाय इनको एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रेलवे कहीं ना कहीं दोस्तों आपको और हमें सबको उलझा रहा है ना? यानी कि एक नोटिस, एक एक नोटिस करके ये निकाल रही है, ठीक है ना? कभी RRB जोन को चेंज करके, कभी प्रेफरेंस को चेंज करके, और कभी आधार वेरिफिकेशन को लेकर के, ठीक है ना? ताकि हमें और आपको ऐसा लगे कि भाई रेलवे अपने एग्जाम के लिए काम कर रही है और रेलवे जो नोटिस निकाल रही है इससे यही साबित करना चाह रही है कुल मिलाकर के, ठीक है ना? तो किस किस जोन के लिए अनिवार्य है ना, और कैसे कैसे करना है वो सारा प्रोसेस चलिए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, यूट्यूब पर हमने एक बहुत बड़ा दोस्तों जो है बैच, जिसमें टोटली मैराथन ही मैराथन क्लास लिया जा रहा है ना, जिसमें 17 दिन और 17 मैराथन होने वाले हैं। और ये जो मैराथन वाली बैच है हमारी, ये स्टार्ट हो चुकी है। सबसे बड़ी और सबसे खासियत इस बैच की ये है कि भाई ये बैच बिल्कुल YouTube पर फ्री है। ऐसे छात्र जो कि दोस्तों किसी न किसी कारण की वजह से वो बैच परचेस नहीं कर पाते हैं, है ना, और किसी न किसी कारण की वजह से उन्हें वो कंटेंट नहीं मिल पाता है, अगर वो फ्री वर्जन वाला अगर वो कोई क्लास देखते हैं तो उन सभी ही छात्रों के लिए दोस्तों जीरो से हीरो वाले जो हमारे 17 दिन के 17 मैराथन है, ये सुबह 8 बजे दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है ना। इसमें 2 क्लास चल चुके हैं, अब तीसरी जो क्लास है ये हमारी जो है ये मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट की मैराथन क्लास चलने वाली है, ठीक है ना? याद रखिएगा टाइम को, सुबह के 8 बजे। और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, आप लौट आते हैं अपने इस सेशन की तरफ। ये जो आधार वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर जो नोटिस दोस्तों निकाली गई है, इस नोटिस को आप ध्यान से देखिएगा। इस नोटिस में ना और बहुत कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर एक ही बात लिखा हुआ है कि भाई ये जो आपका आधार वेरिफिकेशन है ना, आधार वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको आधार वेरिफिकेशन कराना है और क्यों कराना है, ये बात इसमें थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि ताकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, जो आपका एग्जाम सेंटर है वो स्मूथली उसमें आपका एंट्री हो सके। यानी कि रेलवे अपने सुविधाओं को देख रहा है, रेलवे जो है अपना काम आसान कर रहा है, ठीक है ना? तो बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके देख चुके होंगे कि उनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है डन या फिर अभी तक नहीं हुआ है ना? तो जिनका हो चुका है उनको क्या करना है और जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, सारी बातें बताएंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि आपका आधार वेरिफिकेशन अगर डन नहीं हुआ है ना, जिस टाइम पे आपने फॉर्म को अप्लाई किया उस टाइम पे फॉर्म को अप्लाई तो कर दिया, लेकिन वहां पर कोई ऐसा कंपलसरी तो नहीं था कि जब तक आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए छात्र, किसी ने पैन कार्ड से वेरीफाई कर दिया, किसी ने वोटर आईडी से वेरीफाई कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कर दिया, अगर ऐसा काम आपने किया है तो आपको अब आधार कार्ड से वेरीफाई करने की जरूरत है।
तो वो प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप अपना पैन कार्ड है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी आईडी से आपने वेरीफाई किया है, तो ये थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहलाती है ना। तो अब आपको आधार कार्ड से आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है ना। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। देखिए नेक्स्ट है कि आपको कैसे कैसे अपना आधार वेरीफाई करना है। देखिए हमारा जो पैनल है इस पे दोस्तों गूगल अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, जिसके वजह से मैं स्क्रीन शॉट्स लगाया हूँ ताकि आपको आराम से समझ में और आप स्मूथली समझ भी पाएंगे। देखिए जैसे आप गूगल पर जाएंगे और rrbapply.gov.in वहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही रेलवे का जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जो आपका अप्लाई वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही देखिए अप्लाई वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है क्रिएट एन अकाउंट, दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपको क्या करना है, आपको अपना क्रिएट एन अकाउंट वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है ना। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म जो है वो ओपन होकर के आ जाएगी, है ना, फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगी। उस फॉर्म को आपको ध्यान से देखना है, जैसे ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, अगर आपका आधार वेरिफिकेशन डन हो चुका है तो सबसे टॉप पर देखेंगे कि यहाँ पर एक लिखा रहता है कि जिसका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसका लिखा रहता है नोट करके, है ना, नॉट डन आधार कार्ड वेरिफिकेशन, ठीक है ना। और जिसका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका होता है तो नोट करके यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं देता है और ना ही कोई लिंक देता है, ठीक है ना। अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ है तो इस फॉर्म के सबसे टॉप में यहाँ पर नोट लिखा रहेगा और नोट करके लिखा रहेगा कि नॉट डन आधार कार्ड वेरीफाई और आपको अब आधार कार्ड वेरीफिकेशन करना है, ठीक है ना। और साइड में यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक को क्लिक करके अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे कि आपने आधार जब फॉर्म आपने अप्लाई किया था तो आपको एक फॉर्म आपके सामने आया होगा जिसमें यहां पर इस प्रकार का लिखा रहा होगा कि आधार वेरिफिकेशन, है ना, आधार वेरिफिकेशन। तो आपको क्या करना था, यहां पर एक ऑप्शन था आधार यूजिंग वेरीफाई यूजिंग आधार, और यहाँ पर एक ऑप्शन था कि आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, है ना। तो यहाँ पर छात्रों ने क्या किया कि यहाँ पर ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि भाई आपको बिना आधार कार्ड का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आप नहीं भर सकते हैं रेलवे में, ठीक है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, मंडेटरी नहीं था, कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंडेटरी है ना, आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन, है ना, इस ये क्या करना है, सिलेक्ट ए वैलिड प्रूफ आईडी, ये क्या है, ये नेसेसरी है, ये कंपलसरी है ना। आपको यहाँ पर ये स्टार का आइकन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डालना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी था नहीं, इसलिए छात्रों ने क्या किया कि जिसके पास आधार कार्ड है वो तो चलिए आधार कार्ड वेरीफाई कर दिया, और जिसके पास नहीं था, है ना, या फिर आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई डाटा रॉन्ग रहा हो उसके वजह से उन्होंने क्या कर दिया, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, ठीक है ना, और ये सारा मामला करके उन्होंने फॉर्म को सबमिट कर दिया। अब जिसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ना, उसके लिए दोस्तों क्या करना है, तो उसको अपना यहां पर आधार कार्ड नंबर एंट्री करना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर जैसे ही 12 अंकों का आप एंट्री करेंगे, ठीक है ना, तो आप आधार कार्ड को एक और विंडो ओपन होगी और उसमें आपको टोटल अपने आधार कार्ड का डिटेल्स डालना होगा। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर देना होगा, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुल का आपके पास एक वहां पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आधार कार्ड को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि जिन छात्रों ने आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का ऑप्शन को क्लिक किया रहा होगा उस टाइम पे, उनके लिए क्या था, उनके लिए दोस्तों यहां पर था कि जैसे ही उन्होंने उस वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो उनके लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ गया, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, है ना, एम्प्लॉयर आईडी, गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका आईडी नंबर आपको डालना था, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना, यहाँ के आप स्टूडेंट हैं तो फिर उसका भी जो कार्ड बना होगा, है ना, उसको भी आप यहाँ पर लगा करके लॉग इन कर सकते थे। ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं, है ना। तो उनके लिए यहाँ पर क्या है, उनके लिए यहाँ पर है कि भाई अब आपको दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड से वेरीफाई करना है, है ना, आधार कार्ड से वेरीफाई करना है। तो आधार कार्ड से कैसे कैसे वेरीफाई करना है ये आपने सीख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात आती है कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी का आधार कार्ड है ना, अगर मान लीजिए कि सर ये जो
काम है ना, ये किस किस आधार किस किस मतलब आरआरबी के लिए है, तो ये सभी आरआरबी के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये किस किस के लिए है, ये सभी आरआरबी के लिए है ना, ये सभी आरआरबी के लिए मींस जैसे कि आपका हो गया एएलपी, आपने एएलपी में फॉर्म भरा है, आपने टेक्नीशियन में फॉर्म भरा है, ठीक है ना, आपने आरपीएफ में फॉर्म भरा है, आपने इसके अलावा पैरामेडिकल में फॉर्म भरा है, पैरामेडिकल में फॉर्म भरा है ना, इसके अलावा आपने फॉर्म भरा है एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ पैरामेडिकल है ना, और जेई में भी आपने फॉर्म भरा है, अगर इन सभी में आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपने क्या लगाया होगा, आपने आधार कार्ड लगाया होगा, क्या लगाया होगा, आधार कार्ड, यानी कि एक ही आधार कार्ड से आपने इन सभी का फॉर्म भरा होगा, यानी कि रेलवे के साइट पर आपने एक ही कार्ड से, एक ही आइडेंटिफिकेशन कार्ड से आपने लॉगिन किया होगा, इसी के अकॉर्डिंग सभी का आप एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ पैरामेडिकल और जेई इन सभी का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, तो जितना भी इस आधार कार्ड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है रेलवे का, उन सभी का है ना आप आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात है, तो सभी के लिए है, चाहे एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ पैरामेडिकल जेई हो, सभी एग्जाम के लिए है, सभी फॉर्म के लिए है, ठीक है ना, एक यहां पर जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि जिसका हो चुका है वो क्या करेगा और जिसका नहीं हुआ है वो क्या करेगा, उसके लिए मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड है, लेकिन उस आधार कार्ड का जो डेटा है ना, जो आधार कार्ड का डेटा है वो कैसा है, रॉन्ग है ना, आधार कार्ड का डेटा कैसा है, रॉन्ग है, उस केस में आपको क्या करना है, क्या उसी रॉन्ग आधार कार्ड को बेस मानकर हम यहाँ पर इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर वेरीफाई नहीं करना है आपको, है ना, नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में सुनिए कि अगर आपके आधार कार्ड में डेटा रॉन्ग है ना, तो आपको बिल्कुल भी उस रॉन्ग डेटा के जरिए यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करना है। देखिए, पहली बात तो वेरिफिकेशन करना कंपलसरी नहीं है कि आपको यहीं पर वेरिफिकेशन करना है ना, अगर आप यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो फिर आप एग्जाम सेंटर में जाकर के वेरिफिकेशन करेंगे, वहाँ पर जाकर के आपको अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पर देना होगा, है ना, आपको आपकी चेहरा आपका शक्ल जो है वो मैच कराएंगे, ताकि इस रोल नंबर का या फिर ये जो कैंडिडेट है ये एक्चुअल में यही कैंडिडेट है या फिर किसी और का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, ये सब कुछ वहाँ पर वेरीफाई होगा। तो आपको अगर आधार कार्ड वेरीफाई कराया जा रहा है यहाँ पर, तो वो अपना काम आसान बनाने के लिए, ताकि वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में आधार कार्ड वेरीफिकेशन का जो काम है वो उनके लिए दोस्तों मतलब कि उस काम को ये कम करना चाहते हैं, उस काम को हम आप लोगों के ऊपर ये सौंपना चाह रहे हैं, है ना, ये आधार कार्ड वेरीफिकेशन का मतलब हुआ। तो अगर डेटा रॉन्ग है तो आप सबसे पहले जाइएगा जो लोक सेवा केंद्र होता है तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जो जन सेवा केंद्र होता है वहाँ पर जा करके आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई डेटा रॉन्ग है, जैसे कि आपका नाम गलत हो सकता है ना, वहाँ पर केयर ऑफ का नाम गलत हो सकता है, और एड्रेस गलत हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकता है ना, तो ये सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो उसको आप पहले सही कराइएगा, है ना, 3 से 4 दिन में ये सही हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता और आराम से ये हो जाती है, ठीक है ना। आज के टाइम पे हमारे यहाँ तो 150 रुपये जो है वो चार्ज लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का आधार कार्ड में कोई अपडेट आपको कराना है आप इसको करा सकते हैं, है ना, तो 3 से 4 दिन में ये अपडेट हो जाता है, अपडेट होने के बाद आप जो है ये वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए, है ना, ऐसा केस तो बहुत कम आता है ना, ऐसा केस तो बहुत कम आता है, 100% में से दोस्तों 98% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास आधार कार्ड है, बस 1 से 2% 1.5% ऐसे छात्र हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, है ना, तो ये केस तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, मैं इसको नगण्य मानता हूँ, ठीक है ना, कि आधार कार्ड आपके पास नहीं होगा, अगर है तो उसमें डेटा रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, आप उसको अपडेट करा सकते हैं, ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है ना, यही सारी चीज़ें हैं आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर के। एक बात और आती है कि जैसे कि आपने आपका फॉर्म रिजेक्ट, देखिए जो आधार कार्ड वेरीफाई करा रहा है रेलवे ना, तो वो फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के भी वो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए ना, तो वो चीज़ों को देख रहा है कि ऐसा छात्र तो नहीं है जो कि अलग अलग आईडी से लॉगिन करके और फिर वो फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है ना, उसका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। मान लीजिए कि आपने एएलपी का फॉर्म भरा, आधार कार्ड को लॉगिन किया है, ठीक ना, आपने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा, आपने पैन को यहाँ पर पैन के साथ आपने वहाँ पर लॉगिन हुआ, ठीक है ना, आरपीएफ का आपने फॉर्म भरा, वोटर आईडी के साथ आपने साइट को लॉगिन किया, तो अलग अलग फॉर्म में आप अगर अलग अलग पहचान पत्र के साथ,
ठीक है ना, रेलवे को लॉग इन करेंगे, रेलवे की साइड में लॉग इन होंगे, तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें इसको रिजेक्ट होने से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि साइट रेलवे का है। आप चाहे ALP में जाएँ, चाहे टेक्नीशियन में जाएँ, चाहे RPF में जाएँ, है ना, आगे चल के रेलवे इन सभी चीज़ों को पकड़ ही लेगा, ठीक है ना, कि कैंडिडेट एक ही है, साइट एक ही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग ID से वेरीफाई, अलग अलग ID से लॉग इन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अगर आपने गलती किया है तो दोस्तों आप भूल ही जाइए कि आप ANP का एग्जाम दे पाएंगे, या टेक्नीशियन के, या RPF का, या फिर रेलवे के किसी भी वैकेंसी में आप इनरोल हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यही है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट नोटिस था। अगर ये इम्पोर्टेंट नोटिस ALP के एग्ज़ाम को लेकर के रहता तो दोस्तों ये जो खुशी है ना, ये दोगुनी खुशी होती, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपने ALP, टेक्नीशियन, RPF, पैरामेडिकल, JEE, इनमें से किसका फॉर्म भरा है, और आपकी जो तैयारी है ये कैसी चल रही है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे लिए एक प्यार ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर करना आपका ये दोस्तों एक कर्तव्य है, आपका एक काम है, तो फिर आप अपना ये कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे आप पर पूरा आशा और विश्वास है, ठीक है। तो सुबह 8 बजे जो कि मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास दे रहा हूँ, इस मैराथन क्लास में बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से छोटों को प्यार और बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, और इसी प्रकार से दोस्तों अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी छात्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।